हिमाचल प्रदेश में समीज बागी पुल के पास बुधवार रात बादल फटने से 45 लोग बह गए। एनडीआरएफ ने बताया कि गुरुवार सुबह तक 13 शव बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है और मंडी के 9 मील के पास देर रात 3 बजे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। मलबे में एक ट्रक और पिकअप फंस गया और दोनों गाड़ियों के ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई तेज बारिश से चंडीगढ़ मनाली हाईवे सहित 214 सड़कें बंद है। हिमाचल के समेज में 1 अगस्त की रात भी बादल फटा था, इसमें 36 लोग लापता हो गए थे। 3 लोगों का शव सुन्नी डैम से बरामद हुआ है। 33 लोग अभी भी लापता हैं।